रामजी तिवारी के मुखारविंद से कथा में सुदामा चरित्र का किया वर्णन। कृष्ण की मित्रता को देख श्रोताओं के आंखों में छलक आए आंसू। श्रोताओं ने जमकर खेली ब्रिज की होली। खबर आई है जतारा से, देखते रहिए न्यूज जतारा से। मनीष दुबे, सागर सोनी की रिपोर्ट। नगर जतारा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में श्रोताओं की खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं समापन बेला पर ब्रिज की होली का आनंद श्रोताओं ने नृत्य के साथ जमकर उठाया। जानकारी देते हुए कथावाचक वृंदावन धाम रामजी तिवारी ने बताया कि नगर जतारा में नगर के सभी के जन सहयोग से 7 दिवसीय में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां नगर सहित समूचे क्षेत्रीय के लोगों की श्रोताओं के रूप में खासी भीड़ रही और लोगों ने कथा को सुना। श्री तिवारी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया, जहां भगवान की लीला को देख और उनकी मित्रता को देख श्रोताओं के आंखों से आंसू छलक पड़े। श्री तिवारी ने कहा कि इस संसार में मित्र वही होती जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने सखा सुदामा को निभाए, इस प्रकार श्री महाराज ने 7 दिवसीय विभिन्न कथाओं का अपने मुखारविंद से कथा का वर्णन किया, तो वहीं को कथा के उपरांत प्रसाद के रूप में श्रोताओं को चवाल वितरण कर जीवन की 3 उपयोगियों से संकल्पित किया। इस उपन्यास एडवोकेट रमेश पाठक, प्रशांत खरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील पांडेय, प्रेम बुटी चौबे, नीरज सोनी, अनिल सहित भारी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कथावाचक रामजी तिवारी। आज महाराज जी सिनेमा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ सर, और इसमें होने वाली कथा में आपने क्या लोगों में संदेश दिया और क्या करना चाहिए? मैंने लोगों को बताया भागवत कथा के माध्यम से कि हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष को त्याग करके भगवान के चरणों में प्रीति करना चाहिए, इससे व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। एवं श्रीधाम वृंदावन में जैसे बाकी बिहारी से सब लोग प्रेम करते हैं, ऐसे ही दुनिया के समस्त जीवों से प्रेम करना चाहिए और चराचर का भला हित सोचना चाहिए।